एक्सक्यूज मी अब आप भाई क्या हो गया लड़की को? ठीक हो आप? कौन हो आप? हाँ, मदद नहीं की आपने मेरी। क्या करा मैंने? कुछ फायदा होगा आपका? आप यहाँ पे पड़े रहते, दो लड़के आ जाते, कुछ कर लेते जब सही लगता। लो थप्पड़ लगाओ, लो थप्पड़ लगाओ। एक तो मदद कर रहा हूँ आपके ऊपर। ओए ओए लड़की बेहोश पड़ी यहाँ पे। ओए भगवान, लड़की बेहोश पड़ी है भाई। क्या हो रहा है आए दिन पार्कों में, पता नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम, भाई किसी को बुलाऊं क्या? ओ भाई यार, लड़की बेहोश पड़ी है। एक्सक्यूज मी मैडम, ठीक हो आप? भाई इसने तो शायद नशे वशे कर रखे दबा के, मेरे को तो ऐसे लग रहा है। भाई नशे कर रखे, पता नहीं क्या सीन है यहाँ पे, पता नहीं कैसे मैडम एक्सक्यूज मी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बेहोश पड़ी है, पता नहीं सो रही है, क्या सीन है मैडम? दिखने से तो बेहोश लग रही है ना, क्या करूं? या नीचे रहने दूं या बेंच पे रखूं इसको? बेंच पे रख दूं? ओ यार उठाऊं कैसे? उठ के फिर ये मेरे को गलत ना समझे। मैडम क्या करूं, उठाऊं? उठा रहा हूं यार मैडम को। भाई भाई क्या हो गया लड़की को? पानी की बोतल कहाँ गई? अब गिरेगी तो नहीं? यहीं पे रहो मैडम। ओ भाई मैडम, मैडम मैडम ठीक हो आप? ठीक हो आप? ठीक हो आप? ठीक हो आप? क्या हो गया था आपको? कौन हो आप? क्या हो गया? क्या हो गया मैडम? पानी डाला आपके ऊपर? वो कौन तू? अरे मैडम मैं तो यहाँ से जा रहा था, आपको देख लिया। क्या हुआ? ठीक हो आपकी तबीयत? ठीक है? अरे मैडम मैं कुछ नहीं कर रहा। आप क्या हो गया? आप यहाँ पे बेहोश कैसे पड़े थे? आपको मतलब? मैडम एक तो आपकी मदद करी, यहाँ पे लेके आया हूँ आपको। मदद नहीं की आपने मेरी। क्या करा मैंने? कुछ फायदा होगा आपका? उल्टा को एक तो मदद कर रहा हूँ, उल्टा चोर कोतवार को डांटे हैं? नहीं चाहिए आपकी मदद। आप यहाँ पे पड़े रहते, दो लड़के आ जाते, कुछ कर लेते जब सही लगता। एक तो लड़की की मदद करो, ऊपर से आप मेरे पे ब्लेम लगा रहे हो। पड़े रहते हैं यहाँ पे पूरी रात, जब रात को दो लड़के आते ना जब पता लगता कैसे होते हैं। एक तो मदद कर रहा, सही बोल रहा था, सूरज नहीं उठाना चाहिए लड़की को। एक तो मदद करो, ऊपर से ऐसे वो कर रहे हो। मैंने आपको हाथ लगाया, कुछ बोला आपको? एक तो आपकी मदद कर रहा हूँ, तबीयत ठीक है आपकी? क्या हो गया, ठंड लग रही है आपको? अभी भी पूछ रहा हूँ आपसे, क्या हो गया? ड्रिंक वगैरह कर रखी आपने? ड्रिंक वगैरह कर रखी आप? नहीं किया मैंने। फिर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो रूड वे से? एक तो आपकी मदद करी अब मैंने। बिकॉज़ मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं ना अपनी लाइफ से, प्लीज दूर रहो मेरे से, तो मेरे से बात मत करो। अरे मैडम मैं आपकी मदद करने आया था, कोई आपसे फायदा उठाने नहीं आया था। आपकी मदद मुझे नहीं पता, आपने फायदा उठाया क्या किया, बस मुझे नहीं चाहिए आपकी कोई हेल्प। एक तो मदद कर रहा हूँ, ऊपर से आप मेरे पे ही ब्लेम लगा रहे हो। मैंने कुछ बोला आपको? उल्टा सीधा बोला, आपका नाम तक नहीं पूछा। एक तो वहाँ पे आप बेहोश पड़े थे, वहां से यहाँ पे मुझे? मैं नहीं जानता ना मैडम, जानता तो घर लेके जाता अपने या फिर कहीं आपके घर छोड़ के आता। तबीयत खराब हो रही है आपकी, कोई बात है तो आप मेरे को बता दो। आप डरो मत, आप बहुत घबराए हुए हो, घबरा रहे हो आप, घबराओ मत मैडम। क्या नाम है आपका? पायल। यहाँ पे कैसे आए हो मैडम? आप पहले चिल हो जाओ, मेरे को आप गलत मत समझो, मैं आपकी मदद करने आया हूँ, कोई और मेरी इंटेंशन नहीं थी आपको कुछ टच करने की, या फिर कोई मेरी गलत नीयत नहीं थी। गलत नीयत होती ना मैं पार्क की जगह ना अपनी गाड़ी में रख के आपको कहीं लेके जाता। एक तो आपको यहाँ पे पार्क में बैठाया ना, 100 लोग देख रहे हैं आपको, कुछ नहीं करूँगा मैं आपके साथ। आप मेरे पे ही वो कर रहे हो कि हद हो गई यार। एक तो लड़कियों की मदद करो, ऊपर से ये सब सुनने को मिलता है। हटा यार, मैं दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? क्या हाथ पकड़ ले? अब दोबारा बदतमीजी करनी है मेरे साथ? दोबारा बदतमीजी करनी है? कर लो आप बदतमीजी, लो थप्पड़ लगा लो, लो 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 थप्पड़ लगाओ, लो थप्पड़ लगाओ।
एक तो मदद कर रहा हूँ आपकी, ऊपर से आप मेरे पे ब्लेम लगा रहे हो। ना मार लो थप्पड़, ना मारो ना थप्पड़, थप्पड़ मारना है ना। आपको लग रहा है कि मैंने आपके साथ कुछ करा है? थोड़ा सा हद हो गई यार। एक्चुअली आजकल इतना बुरा हो रहा है ना, तो और मैं ऑलरेडी, मैम दुनिया में ना सारे लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से हम लोगों का भी नाम खराब हुआ पड़ा है। मैं अच्छे भले से आया हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ, आप मेरे को धक्का दे रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो यार। पता ही नहीं मेरे साथ हुआ क्या था, मैं कैसे बेहोश हुई, कैसे यहाँ आई। और वही चीज तो मैं आपसे पूछ रहा था, हिंदी कम समझ आती है क्या आपको? अचानक देखो थोड़ा सा बस, क्या हुआ है? यही पूछ रहा था, आप घबरा क्यों रहे हो? क्यों, कोई ड्रिंक वगैरह कर रखी है आपने? क्या हुआ है, नशा कर रखा आपने कोई? क्या हुआ है? आप आराम से बैठो मेरे को, आप यहाँ पे आओ पहले, दूर वहाँ पे कहाँ जा रहे हो? डर लग रहा है मेरे से? फिर मैं भाई थोड़ा ना गुस्से में बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी इंटेंशन गलत है। और गुस्सा भी मेरे को जब आया, जब आपने मेरे को गलत समझा। अब बात बतानी है, मैं यहाँ से चला जाऊं? क्या हुआ है आपके साथ, यहाँ पे कैसे बेहोश पड़े थे आप? पहले आप बताओ, आपने ड्रिंक कर रखी है ना? झूठ मत बोलना, कर रखी है ना आपने ड्रिंक? ड्रिंक करने के बाद आप पार्क में ऐसे पड़े हो? खुदा ना खवासा कल के दिन आपके साथ कुछ हो जाता, भगवान ना करते रात के टाइम लड़के वड़के आ जाते, कुछ आपके साथ गलत काम करते, सही लगता आपको? आपका तो कुछ जाता नहीं, घर वाला को कुछ बचता नहीं, अब रो के क्या फायदा मैडम? ये चीज आपको पहले सोचनी चाहिए थी। 6 बज रहे हैं, 7 बजे अंधेरा हो जाता है इस पार्क के। आपको हाल पता है इस रात को क्या क्या कांड होते हैं यहाँ पे? बड़ा नहीं बोल रहा, जगह जगह पे ना कॉन्डम पड़े होते हैं, और ये बात बोलनी नहीं चाहिए मेरे को आपको। बोल इस चक्कर में रहूं कि पार्क खराब है? मुझे नहीं पता, मैं खुद यहाँ पे पहली बार आई हूँ, और मैं क्योंकि बहुत फर्स्ट एड थी तो मुझे दिखा और मैं ड्रिंक करके यहाँ आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे? और अब पड़े भी पता है कौन सी जगह पे हो? जहाँ पे रात को ना यहाँ पे लोग आके पत्ते खेलते, पत्ते सट्टे पे ना आपको ही लगा देते, फिर आपके ऊपर जुआ चलता, कौन लेके जाएगा रात को? इसको बोलते हुए भी शर्म आ रही है मेरे को आपको ये चीजें, और ऊपर से आपकी मदद कर रहा हूँ, आप मेरे को सुनाए जा रहे हो। क्या नाम बताया आपने अपना? पायल। क्या हुआ है, क्या कोई दिक्कत परेशानी है? आप मेरे को अपना समझो, टेंशन मत लो। मेरा नाम अजय। क्या नाम है मेरा? अजय। तो आप डरो मत, कोई बात है तो मेरे को बताओ आप। भैया रो मत यार, आप ऐसे रो, मैं क्या आपके आंसू भी बंद करूं अभी? वो करूंगा तो आप मेरे को और उल्टा समझने लग जाओगे। आप पहले रोना बंद करो, पहले रोना बंद कर दो आप। क्या हुआ है, क्या हुआ मैडम बताओ यार? शादी हो गई थी। आराम से बताओ क्या हुआ है, पहले लंबी सांस लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताओ क्या हुआ है? मेरी शादी छोटी उम्र में हो गई थी, और जिससे हुई थी ना वो बहुत मारता था, पीटता था, फिर मैं अलग रह रही थी, वहाँ भी आके मुझे टॉर्चर करता है बहुत, मतलब गाली गलौज करता है, बहुत कुछ करता है, रहने ही नहीं देता मुझे अकेले। तो बस इसलिए बहुत ज़्यादा अपसेट रहती हूँ, और कोई सपोर्ट नहीं करता मुझे, ना यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट नहीं करती है, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, फिर जो समझ में आता है वो कर लेती हूँ। कल के दिन बच्चे होंगे, बच्चों को भी यही सीख सिखाओगे कि जो मन में आएगा वो कर लो? आपके बच्चे जब पी के रोड पे गिरेंगे, नालियों में गिरते हुए फिरेंगे, उनको क्या बोलोगे? जब माँ ही पी के पार्कों में गिर रही है तो बच्चों को क्या शिक्षा दोगे आप? कितने कितनी उम्र है आपकी? 27। कब हुई थी शादी आपकी? 17 इयर्स। तो कितने साल हो गए अलग रहते हुए? 3 साल। 3 साल हो गए, उससे पहले कितने साल इकट्ठे रहे थे आप? 7-8 साल। तो 7-8 साल में कोई बच्चा बेबी नहीं हुआ आपका? सिर्फ लड़ाइयाँ हुई हैं 7-8 साल, सिर्फ मारता था आपको? तो आपने जहाँ पे शादी करी थी लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। तो घर वालों ने देखा नहीं कि घर कैसा है वहाँ पे? देखा ही नहीं, ऐसे ही शादी कर दी आपकी। तो आपको मतलब इतनी पुरानी याद आज कैसे आ गई? कैसे आ गई आपको इतनी पुरानी याद आज यहाँ पे, कैसे आ गई? नहीं, वो हमेशा याद आ जाती है, तो मैं अपना ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, अकेले रहती हूँ ना इसीलिए। कहाँ रहते हो आप? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, लक्ष्मी नगर। ना अगर यूँ बताओ, आप अगर कहीं फंसे पड़े हो, अगर आपकी कोई ऐसे मदद कर रहा है पार्क में, कोई किसी की नीयत में खोट नहीं है, कुछ नहीं करना चाहता आपके साथ, तो आप उसको ऐसे गंदी निगाहों से देखोगे? मुझे नहीं पता ना कि आप, मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं ना, मैंने तो होश आने के बाद आपको अचानक देखा इसीलिए। तो आपने मेरे को देखा कि मैं आपके साथ कुछ कर रहा था या आपकी मदद कर रहा था, आपने चीज़ नोटिस करी?
या पहले ही भड़कने लग गए, पहले ही गालियाँ देने लग गए, पहले ही धक्के देने लग गए? कोई चीज़ नोटिस करी? पांच उंगलियाँ बराबर नहीं होती ना, आपको भी पता है ना, नहीं होती ना पांच उंगलियाँ बराबर। फिर आप हर उंगली को कैसे बराबर समझ रहे हो? मैं नहीं बोल रहा कि लड़के गलत नहीं होते हो, मैं यूँ भी नहीं कह रहा कि लड़कियाँ गलत नहीं होती, अच्छी होती हैं उनमें भी। देखो लड़कियों में भी बुराई होती है, लड़कों में भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे लड़के बुरे हैं या फिर सारी लड़कियाँ बुरी हैं या फिर सारी लड़कियाँ अच्छी हैं। सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। अगर सब में कमी नहीं होती ना तो हर बंदा भगवान बन के ना फिरता है यहाँ पे। फिर रो रही है? रो क्यों रही है? रोने से ठीक हो जाएगा? दोबारा दूसरी शादी करनी है तेरे को? दोबारा उसी पति के साथ रहना है? रो क्यों रही है? किसके लिए रो रही है? रो किसके लिए रहे हो आप? किसके लिए रो रहे हो? मेरे लिए? प्यार हो गया मेरे साथ? किसके लिए रो रहे हो? वही तो पूछ रहा हूँ आपको। जब आपको किसी के साथ रहना नहीं, किसी के साथ शादी करनी नहीं, रो किसके लिए रहे हो आप? नहीं, बस ऐसे। आप मैं आपको नहीं कह रहा, मेरी, अरे आपकी बात को मैं समझ गया, आप जो कह रहे हो आपने मेरे को गलत समझा। मैं आपको यूँ कह रहा हूँ, आपको मेरे साथ प्यार नहीं है, आपको अपने घर वाले के साथ रहना नहीं है, दूसरी शादी करनी नहीं, रो किसके लिए रहे हो? मेरे को यूँ बता, अपनी किस्मत के ऊपर रो रहे हो? क्यों रो रहे हो अपनी किस्मत के ऊपर? अकेली लड़की अपनी जीवन पूरा नहीं चला सकती? कितनी लड़कियाँ हैं जो अपना जीवन खुद चलाती हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है? आप नहीं बन सकते उन जैसे? आप नहीं बन सकते? बन सकते हो ना, फिर क्यों रो रहे हो? रो के अपने आप को ना और कमज़ोर कर रहे हो आप। कमज़ोर करना है खुद को आपको, फिर क्यों रो रहे हो आप? किसके लिए रो रहे हो? है कोई वजह रोने की? आपका कोई बेबी नहीं है, बेबी नहीं करना, आपका मन नहीं है शादी के बाद कभी बेबी हो? मन ही नहीं था आपका? क्यों? वो घर की लड़ाइयाँ देख के आपका मन ही ख़राब हो गया था? अब बोलोगे कुछ आप? नहीं, बस आपको थैंक यू कि आपने मेरी हेल्प की। पता नहीं बना, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। वो पायल जी, वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि कोई अगर आपकी मदद कर रहा है तो एटलीस्ट आप उसको गलत मत समझो। सॉरी, उसके लिए आप हाथ मत जोड़ो। मुझे नहीं पता था। अब पता, पता लग गया आपको? अब पता लग गया? ड्रिंक ज्यादा क्यों करी आपने? ड्रिंक क्यों? आप अभी भी, पता है अभी भी आप बोल रहे हो ना, आपका, आपकी बॉडी ना वाइब्रेट हो रही है और ये चीज मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ऑटो ऑटो वाले के साथ घर जाओगे ना, पता नहीं कहाँ से क्या हो जाएगा आपके साथ। कहाँ रहते हो? लक्ष्मी नगर में। कहाँ रहते हो मैडम? लक्ष्मी नगर में। याद है एड्रेस? पता है? ज़्यादा पी लिए, वो भी नहीं पता? अब इतना यकीन है कि मैं आपको घर तक छोड़ दूँ? है यकीन आपको? खड़े हो जाओ अपने पैरों पे, खुद खड़े हो जाओ। खड़े हो पा रहे हो? खड़े हो पा रहे हो? सिर्फ बोलना आता है, धक्का देना आता है। हद है यार। हाथ दो आप मेरे को अपना। चलो आओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ आ जाओ। आप यूँ पार्क में ड्रिंक करके आ रहे हो, कल के दिन आपकी कुछ भी होगा, अपने फैमिली में क्या आप बताओगे? बताओ, चलो आप, चलो आप रो, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं होता।